स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग ICG पर। आज हम एनालॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो MJOL इसके बाद क्या है QNSP, यानी देखो यहाँ से M से Q ये क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। उसी तरह देखो जे से एन ये भी क्या हो रहा है हमारा प्लस 4 हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। एन का नंबर कितना है 14 है, 14 पे 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 यानी क्या हो जाएगा आर। इसको आप कैसे याद रखोगे, राइट टू वोट, वोट आप कितने एज में देते हो 18 के एज में, तो आर हो गया। उसी तरह के से जब हम प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ से देखो आर ओ है तो यहाँ से पी एम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 से 56 तो 5 से क्या होगा, देखो ये इसका क्या होता है 8 गुना होता है, तो उसी तरह ये भी 8 गुना होना चाहिए था, पर ये क्या होना चाहिए था 40 होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है, तो क्या होगा। देखो 56 कैसे बनता है 7 × 8 होता है, उसी तरह यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आपका एयरफोर्स का ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन आया है, तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो और वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है ब्रिक और मोटर, ईट या गारा, देखो ये जो मोटर होता है ना ये क्या होता है, जो आपकी ईंट को बनाए रखने के लिए जितने भी सीमेंट या जो भी दिया जाता है उसको हम मोटर कहते हैं, यानी ये क्या होता है एक लिंक होता है। उसी तरह बॉडी क्या किसी के साथ लिंक होता है, क्या आत्मा के साथ लिंक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सोल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या होता है बैक और फोर्थ, यहाँ पीछे आगे, ये क्या होता है एंटोनिम होता है ना, तो इन चारों ऑप्शन से देखो कौन सा एंटोनिम होता है। तो पहला ऑप्शन देखो राइज और साइन, ये तो एंटोनिम नहीं होता है। फॉरगिव और फॉरगेट, क्षमा करना और भुला देना नहीं होता है ना, तो यहाँ से देखो राइज और फॉल, वृद्धि होना और पतन होना, तो ये हमारा क्या होता है एंटोनिम होता है यानी विपरीत होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। तो नेक्स्ट देखो कॉज का क्या होता है इफेक्ट हो जाता है, कारण का क्या होता है प्रभाव होता है, उसी तरह अपराध का क्या होता है दंड होता है यानी पनिशमेंट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो POST का क्या होता है NMQR, यानी देखो पी से जब हम एन की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि पी का क्या है 16 और एन कितना है 14 यानी -2 हो जाएगा। उसी तरह ओ से एम जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसी तरह देखो एच से जब हम -2 जाएंगे, एच क्या होता है हमारा 8 होता है, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा यानी 6 यानी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यू यानी कितना होता है 21, अंडर 21, मैं आपको बताता हूँ, देखो अंडर 21 यानी 21 से 2 जाएगा क्या रहेगा 19 यानी क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, एस क्या क्या होता है 19 होता है। नेक्स्ट देखो एन यानी 14 में से 2 जाएगा क्या जाएगा 12 आ जाएगा, 12 यानी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो टी से टी कितना होता है 20 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 18 यानी आर, तो क्या हो जाएगा एफ एस एल आर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलेट
का क्या होता है? कैश, यानी बटुआ में क्या रहता है? पैसा रहता है। वॉलेट में क्या रहता है? कैश रहता है। उसी तरह जार में क्या रहेगा? ग्लास रहेगा क्या? नहीं। सिलेंडर रहेगा क्या? नहीं। टाइट रहेगा क्या? नहीं। तो क्या रहेगा जार में? क्या रहेगा? पिकल रहेगा ना, अचार रहेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखो, रेन क्लाउड्स यानी वर्षा क्या होता है? बादल होता है। उसी तरह इन चारों में से क्या होगा? समर में सीजन, ये तो नहीं होगा ना। हीट का फायर हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विंटर माउंटेन, ये तो गलत है। हीट का कोल्ड, हीट होता है तो कोल्ड होता है, फायर होता है, फायर तो होता है ना, गर्मी होता है तो अग्नि होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 12 का क्या हो गया? 168 हो गया। यानी ये इसके साथ किससे लिंक हो रहा है, ये पहले आप देख लो। तो जब हम 168 को 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी ये नंबर किससे आया होगा? ये आंसर करो। देखो, ये क्या हो गया? 12 × 14 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 × 16 हो जाएगा। दो का गैप में गुना हो जाएगा। यानी देखो, 4 6 4 जाए क्या होता है? 24 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, पहले यूनिट डिजिट को गुना कर लो, उसके बाद यदि यूनिट डिजिट सेम आएगा तो पूरा गुना करेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया? 14 आ गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यहाँ पे क्या है? EGO, यहाँ पे क्या है? FHF। तो उसी तरह MAN का क्या होगा? देखो, यहाँ से ई से एफ, यानी क्या हो रहा है? प्लस वन हो रहा है, यानी बाद में आ रहा है। यानी एम से क्या जाएगा? एन आ जाएगा। जी से एच आ रहा है। उसी तरह ए के बाद क्या जाएगा? बी आ जाएगा। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। उसी तरह एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NBO इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है? हाउस, यानी ढांचा का, ढांचे में क्या रहता है? घर रहता है। उसी तरह कंकाल, कंकाल किस पे होता है? बॉडी पे होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। देखो, बुलक से क्या होता है? कार्ट होता है, गाड़ी होता है। उसी तरह घोड़े से हम क्या बनाएंगे? टांगा बनाएंगे ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में बताना, इन 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो, BYE क्या होता है? DAG। देखो, बी से डी कितने का गैप होता है? +2 का। उसी तरह वाई से ये भी +2 का। उसी तरह देखो, जी से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी से +2 करेंगे क्या जाएगा? एफ आ जाएगा। जे से +2 करेंगे क्या जाएगा? एल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई एफ एल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे अगले सवाल। देखो, स्टूडेंट किसके साथ जुड़ा है? स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह सोल्जर किसके साथ जुड़ा होगा? वेपन के साथ? नहीं। गन के साथ? नहीं। तो क्या हो जाएगा? आर्मी के साथ वो जुड़ा होगा। पिघले वो किसके साथ जुड़ा होगा? आर्मी के साथ जुड़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, कार गैरेज, तो एयरक्राफ्ट क्या होगा? देखो, कार जब हम किसी गलती आ जाता है तो हम क्या जाते हैं? गैरेज पर जाते हैं। उसी तरह एयरक्राफ्ट में जो भी गलत आ जाता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? हंगर पे जाएंगे। ये आप याद रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताना, आप में से 15 में से कितने आपका सही है।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।